वेलकम गाइस, BinaryTube प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग ओ लेवल के सेकेंड पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 3 पे आज चर्चा करेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस, अभी तक लास्ट दो वीडियोज में, दो क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, इंटरनेट क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स रूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट दो वीडियोस में, दो क्लासेस में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि उनमें जो हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन नहीं होता है, थ्रू द सर्वर होता है, तो वो कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलती है या उसकी टाइप क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में इसी पे चर्चा करेंगे कि वो कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलती है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस, आपकी बुक में दिया गया है कि जो कनेक्शन होता है वो तीन तरह के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप बुक को प्रिफर करते हैं ओ लेवल के लिए, जो आप बुक पढ़ेंगे उसमें दिया रहेगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। गाइस, थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफाई किया हुआ है कि लेवल 1 कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन है, लेवल 2 कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन है, लेवल 3 में कौन सा कनेक्शन है, उसका नाम क्या है। बुक में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ही मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो हमने बांटा हुआ है वो इस तरह से बांटा हुआ है कि जो पहला कनेक्शन है उसका नाम है गेटवे एक्सेस कनेक्शन। क्या है पहला जो कनेक्शन है? वो गेटवे एक्सेस कनेक्शन है, जिसको लेवल 1 कनेक्शन भी कहा जाता है। फ्रेंड, जो लेवल 2 कनेक्शन है उसका नाम है डायल अप कनेक्शन, इसको लेवल 2 कनेक्शन भी बोला जाता है। यहां पे हम लोग डायल अप कनेक्शन नाम दे के चलते हैं। ठीक गाइस, तीसरा जो कनेक्शन है लेवल 3, उसको बोलते हैं लीज लाइन कनेक्शन। यहां पे लेवल 3 कनेक्शन हमने लिखा हुआ है लीज लाइन। आपकी बुक में रहेगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, आपको यही चीज लिखना है या आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पे, लेवल 1 कनेक्शन। लेवल 1 कनेक्शन, जिसको हम एक नाम और जानते हैं गेटवे एक्सेस कनेक्शन। अब गेटवे एक्सेस कनेक्शन क्या होता है? गेटवे एक्सेस कनेक्शन कोई डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है? इट एक्सेस द इंटरनेट, ये इंटरनेट को एक्सेस करता है फ्रॉम द नेटवर्क। तो यहां पे गाइस हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप सिर्फ इसको इतना लिख देंगे तो आप क्या पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जब आपसे लेवल 1 कनेक्शन पूछेगा तो उसमें गेटवे एक्सेस का नाम आएगा, और गेटवे एक्सेस क्या करता है? इट एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द नेटवर्क। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द नेटवर्क, ये नेटवर्क से इंटरनेट को एक्सेस करता है जो कि इंटरनेट पे नहीं होता है। दूसरा है इट अलाउ टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टू टॉक ईच अदर, ये क्या करता है? अलाउ करता है कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक आपका कोई ISP है VSNL का, एक आपका ISP है BSNL का, और दूसरा आपका है मान लीजिए जियो का। अब ये दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हो गए, तो इससे भी दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से भी क्या करता है कि ये अपना इंटरनेट एक्सेस कर लेता है। गाइस, इसके डीप में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ठीक, इसके बहुत डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि लेवल 1 कनेक्शन क्या है या गेटवे एक्सेस कनेक्शन क्या है। तो आपको सिंपल 4-5 पॉइंट लिखने हैं। वो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया कि इट एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द नेटवर्क। दूसरा,
it allow gateway access allow the two different type of networks to talk each other. और तीसरा है कि यूजर जो होते हैं गेटवे एक्सेस इंटरनेट जो यूज करते हैं उनका एक लिमिटेड एक्सेस होता है. जैसे गाइस इस समय हम लोग 24x7 मतलब सातों दिन 24 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन गेटवे एक्सेस में क्या होता है कि गेटवे एक्सेस में आप 24 घंटे नहीं, उनका एक लिमिटेड एक्सेस होता है, देन वो अपने आप बंद हो जाएगा, आपको उसको फिर से स्टार्ट करना होता है. ठीक, तो अगला जो तीसरा पॉइंट है कि गेटवे एक्सेस इंटरनेट हैव अ लिमिटेड एक्सेस. ठीक, और फोर्थ पॉइंट इसका है कि गेटवे एक्सेस, आजकल हमारे इंटरनेट जो ब्राउजर होते हैं, जो इंटरनेट पे टूल्स होते हैं, वो टूल्स आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेवल वन कनेक्शन गेटवे एक्सेस में हम उन सारे टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो गाइज आपको ये चार पॉइंट ध्यान में रखना है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर लेवल वन कनेक्शन पूछता है, जो कि पूछा जाता है कि लेवल वन कनेक्शन क्या है, लेवल टू कनेक्शन क्या है, तो आपको सिर्फ इसको डिस्क्रिप्टिव में चार पांच पॉइंट लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. तो चार पॉइंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इट एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम नेटवर्क, दूसरा है कि इट अलाउ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टू टॉक ईच अदर, कि ये दो अलाउ करता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. तीसरा द यूजर ऑफ द गेटवे एक्सेस, जो यूजर होता है गेटवे के, इट हैव अ लिमिटेड एक्सेस, इसके पास एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इसका है गेटवे एक्सेस नॉट एबल टू यूज ऑल टूल्स ऑन इंटरनेट, ये सारे टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो गाइज ये था आपका लेवल वन कनेक्शन. अब हम लोग बात करते हैं लेवल टू कनेक्शन पे. लेवल टू कनेक्शन को डायल अप कनेक्शन भी बोला जाता है. गाइज याद रखना, आपके एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन या तो आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द लेवल टू कनेक्शन, या आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डायल अप कनेक्शन. अब डायल अप कनेक्शन में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपसे पूछ सकता है कि सेल अकाउंट एक्सेस क्या है, TCP/IP अकाउंट क्या है, एटसेट्रा. तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डायल अप कनेक्शन या एक्सप्लेन द लेवल टू कनेक्शन. तो हम लोग लेवल टू कनेक्शन पे बात करते हैं जिसको डायल अप कनेक्शन नाम दिया जाता है. अब डायल अप कनेक्शन क्या होता है, जैसे इसके नाम में आप देख रहे हो डायल अप, ठीक, मतलब डायल करना. इट मीन जो हम लोगों ने बात किया था क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक, कोई भी क्लाइंट जब इंटरनेट एक्सेस करता है तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, और उस रिक्वेस्ट के जवाब में सर्वर क्या करता है, रिप्लाई करता है. बेसिक फंडा यही है कि हम लोग कुछ भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें सिर्फ यही काम होता है कि सबसे पहले क्लाइंट के द्वारा सर्वर को क्या किया जाता है, एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और जवाब में जो हमको पेजेस या जो मिलता है तो वो हमको क्या, सर्वर रिप्लाई करता है. ठीक, तो यहाँ पे जो डायल अप कनेक्शन था फ्रेंड्स, वहाँ पे भी यही सिस्टम था कि सबसे पहले जो क्लाइंट होता था, क्लाइंट मतलब यूजर जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो कम, तो जब यूजर क्या करता था कि सबसे पहले एक्सचेंज ऑफिस यानी सर्विस प्रोवाइडर को, जहाँ पे उसने हब बना हुआ है, सर्वर बना हुआ है, वहाँ पे फोन किया जाता था, मतलब डायलिंग ऑफ फोन लाइन क्या किया जाता था कि एक फोन लाइन डायल किया जाता था, एक फोन डायल किया जाता था. जब फोन डायल होता था तो सर्वर के द्वारा वहां से यूजर नेम और पासवर्ड मिलता था. ठीक गाइस,
जब सर्वर को फोन किया जाता था तो वहां से यूजर नेम और पासवर्ड मिलता था बाय एंट्रिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर किया जाता था तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती थी। यही है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या है कि डायल अप फोन टू सर्वर देन गॉट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड दे गॉट इंटरनेट एक्सेस। ठीक। अब दूसरी बात, ये सबसे ओल्ड मेथड था, ये ओल्ड मेथड था जो पहले चलता था, जिसमें जैसे आप लोग पहले 2G वगैरह का नाम सुने होंगे, जो कि एक फोन लाइन माध्यम था। इसका जो मीडियम था वो वायर था। ठीक, वायर था, इसलिए इसकी स्पीड जो थी वो 0 से 28 kbps थी। कितनी थी? 0 से 28 kbps, बहुत कम। और अगर आप लोगों को ध्यान भी हो तो जो पहले इंटरनेट चलाते थे जब 2G वगैरह चलता था तो मैक्सिमम इससे अधिक की स्पीड नहीं आती थी, या बहुत बढ़ गया तो 34, 43, 43, इससे आगे कभी नहीं जाता था। ठीक। तो गाइस ये है लेवल टू कनेक्शन। अब इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, डायल अप कनेक्शन को भी बांटा गया है, और जो पहला इसका भाग है वो है सेल अकाउंट। पहला जो इसका पार्ट है डायल अप कनेक्शन का वो है सेल अकाउंट एक्सेस। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है TCP/IP कनेक्शन या TCP/IP अकाउंट एक्सेस। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ISDN। अब हम इन तीनों पार्ट को बारी बारी से देख लेते हैं। सेल अकाउंट एक्सेस क्या होता है? तो सेल अकाउंट एक्सेस जो है वो वर्क करता था ऑन द बेसिस ऑफ डायल अप कनेक्शन। ठीक, डायल अप कनेक्शन के बेस पे काम करता था, यानी बेस उसका क्या है, वही फोन लाइन माध्यम, फोन करना। तो सेल अकाउंट इसके बेस पे काम तो करता था, लेकिन ये काम करता था ओनली वर्क ओनली रिमोट कंप्यूटर, जिसको सर्वर भी कहते हैं। गाइस क्लाइंट सर्वर मॉडल में जब मैं पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, उसमें मैंने सर्वर के कुछ नाम बताए थे। वो नाम था कि होस्ट कंप्यूटर, मदर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर, ये सर्वर के नाम है। गाइस आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर पेपर बहुत टफ आ गया, सर्वर की जगह होस्ट कंप्यूटर दे दिया, मेन कंप्यूटर दे दिया, सर मेन कंप्यूटर के बारे में बताया नहीं। मेन कंप्यूटर मतलब सर्वर होता है। तो गाइस ये चीज आप मत सोचिए कि उसके नाम क्या है, आपको याद रखना है कि होस्ट कंप्यूटर, मदर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर या सर्वर एक ही नाम है। तो इसका जो पहला काम था कि ये किस पे काम करता था, वर्क ओनली रिमोट कंप्यूटर, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वर भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, इट हैव अ लिमिटेड एक्सेस। इसमें भी क्या था, एक लिमिटेड एक्सेस था। लिमिटेड एक्सेस क्या मतलब कि यहाँ पे जो हमें कनेक्शन मिलता था वो मैक्सिमम 6 घंटे का मिलता था या 8 घंटे का मिलता था। ठीक। और वो कनेक्शन के बाद 6 घंटे जैसे टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड होता था, जैसे टाइम पीरियड बीतता था उसके बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाता था, यानी आपको फिर से कनेक्टिविटी के लिए यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता था। तो इसका मतलब है कि इट हैव अ लिमिटेड एक्सेस। दूसरी चीज, कनेक्शन में लिमिटेड था कि आप इतना यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आप यूज़र इस पर एक्सेस नहीं कर पाता था। हैवी लोड जो रहते थे, हैवी लोड के साइट्स वगैरह, उनको चलने में भी दिक्कत आती थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सपोर्ट ओनली टेक्सुअल मैटर। जी हाँ भाई, जो हमारा सेल अकाउंट एक्सेस होता है, जो कि रिमोट कंप्यूटर पे काम करता है, वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट मैटर ही सपोर्ट करता है। गाइस एग्जाम में याद रखना, रट्टा मार लो कि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है, किस टाइप के कनेक्शन में आपका केवल टेक्स्चुअल मैटर ही सपोर्ट करता है। तो वो है सेल अकाउंट एक्सेस या सेल अकाउंट कनेक्शन, जो कि सर्वर पे काम करता है, रिमोट कंप्यूटर पे काम करता है, वो
सिर्फ टेक्सुअल मैटर को ही सपोर्ट करता है। अब ये प्रॉब्लम थी, तो इसका जो दूसरा पार्ट आया वो पार्ट आया TCP/IP अकाउंट एक्सेस। अब TCP/IP अकाउंट एक्सेस की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे ये TCP/IP अकाउंट में क्या होता था, किसमें क्लाइंट वर्क करता था, क्लाइंट साइड पे वर्क होता था। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लाइंट सर्वर का स्ट्रक्चर बनाया था, एक क्लाइंट सर्वर का डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने एक क्लाइंट के थ्रू कई एक सर्वर के थ्रू कई क्लाइंट को जोड़े थे। लास्ट वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन नहीं होता है। जब क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन नहीं होता है तो अगर क्लाइंट ने किसी दूसरे क्लाइंट को मेल या मैसेज किया या उसने कोई मैटर सेंड किया, वो एक्चुअल डिस्टेंस तक यानी दूसरे क्लाइंट तक पहुंच जाता। उसी पे मैंने चर्चा किया था कि रूल होता है, प्रोटोकॉल होते हैं जो कि उसको ले जाते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं और सही सलामत वहां तक पहुंच जाते हैं। तो अगर उस पर बात करें तो हर क्लाइंट के पास खुद की TCP/IP होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरा क्लाइंट केवल रिसीव ही कर सकता है, उसको सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्लाइंट के पास क्या होता है, उसका एक TCP/IP होता है। इसलिए मैंने लिखा कि इट वर्क ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, क्योंकि दोनों TCP/IP दोनों क्लाइंट का और दूसरे क्लाइंट का दोनों मिलके कनेक्टिविटी करते हैं। यूज तो करेंगे डायलअप ही, बेस वही है क्योंकि वो डायलअप का ही पार्ट है, लेकिन ये क्लाइंट कंप्यूटर पे काम करता है। दूसरा है इट सपोर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिकल मैटर। यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम थी कि केवल टेक्स्ट मैटर जो सर्वर पे काम करता है सेल अकाउंट में, केवल टेक्स्ट मैटर को सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे जब से ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स आए हैं, जो कि अब जो हम लोग वेब ब्राउजर देख रहे हैं वो क्या है, ग्राफिकल हैं, तो जब ग्राफिकल वेब ब्राउजर आए तो यहाँ पे TCP/IP अकाउंट एक्सेस में यहाँ पे टेक्स्ट मैटर और ग्राफिकल दोनों मैटर को सपोर्ट करने लगे। ठीक गाइज, इसका जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है ISDN। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। गाइज हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ISDN का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्विस या सोर्स। आपकी बुक में कुछ भी दिया रहे, अगर सर्विस देता है तो आपको सर्विस देना है लिखना है, और अगर आपको सोर्स देता है तो सोर्स देता है। गाइस एग्जाम में ये दो बार कंफ्यूज कर चुका है, आपके ओ लेवल एग्जाम में ही इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एक बार तो सर्विस दिया था, ज़्यादातर लोग सर्विस पढ़ते हैं, लेकिन एक बार दूसरी बार उसने सोर्स कर दिया था, जिसमें कंफ्यूज होकर लोगों ने सोचा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्विस या सोर्स डिजिटल नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो गाइज ये न्यू मेथड है आपका, और जो आज यूज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यहाँ पे तो वायर मीडियम था, लेकिन अब यहाँ पे जो ये डी है, डी मतलब डिजिटल, यहाँ पे जो यूज होने लगा वो डिजिटल फोन लाइन यूज होने लगा। डिजिटल मतलब एक RF रेडियो फ्रिक्वेंसी एक वेब के थ्रू अब जो हमें सिग्नल मिलने लगे वो वेब के फॉर्म में मिलने लगे, यानी जो अभी तक वायर माध्यम से ट्रेवल करता था हमारा डेटा, अब वो यहाँ पे एयर मीडियम से, ठीक, तो एयर मीडियम से ट्रेवल करने लगा, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड हो गई वो इंक्रीज कर गई। अब इसकी स्पीड जो हो गई लगभग 128 kbps। ठीक, अब यहाँ पे क्या था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि नहीं अब सर्वर को कॉल करना है या
वहां से यूजर नेम पासवर्ड इंटर करना है। याद होगा कि पहले मॉडेम आता था जिसको आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना होता है, उसमें आप सिम लगाते थे। सिम मतलब जो ये कंपनीज होती हैं वो आईएसपी होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, जो कि हमें सर्विस देती हैं, ठीक। तो गाइस उसमें लगाते थे तो एक डायल करते थे, फिर कुछ उसमें मॉडिफाई हुआ, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होना शुरू हो गए। ऑटोमेटिक कनेक्शन होता था तो अपने आप ले लेते थे। अब उसके बाद जब तक आप यूज करना चाहें, यानी जब तक आपके पास आपका बैलेंस है, डेटा है, तब तक वो आप इस्तेमाल कर सकते थे। यानी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जो पहले 6 घंटे या 8 घंटे थे वो क्या हो गया कि आपका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, दूसरी चीज़ उसकी जो स्पीड थी, स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। लेकिन माध्यम वही था, डायलअप। जब हम कनेक्ट करते थे, जब मॉडेम को लगाते थे, तो वो ऑटोमेटिक सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज देता था, जहाँ से जिस सिम यानी जो कंपनी का आईएसपी होता था, जो सिम लगी होती थी, वो डिटेक्ट करके, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो नेटवर्क को डिटेक्ट करके आपको शो करता था, और कनेक्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करते थे और कनेक्ट हो जाता था, ठीक। अब जब एयर मीडियम हो गया तो स्पीड अपने आप इंक्रीज कर, यहाँ पे 28 थी, यहाँ पे 56 हो गई। और जो यहाँ पे कनेक्शन जब हमको मिला डिजिटल नेटवर्क, तो वो क्या हो गया, 128 हो गया, ठीक। गाइस ISDN के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, वो बेसिक गाइस हम लोग ISDN में, ISDN के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करें। ISDN जो डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से चलता है, वहाँ पे हम लोग आज बेसिक कंपोनेंट क्या है, बेसिक कंपोनेंट उसको देखेंगे। तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं, पहला है कंप्यूटर, कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए मॉडेम, मॉडेम ही माध्यम है जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो आपको मॉडेम चाहिए। उसके बाद टेलीफोन कनेक्शन, उस मॉडेम में जो हम लोग टेलीफोन कनेक्शन, जो हमारे ISP होते हैं, जैसे सिम वगैरह लगाते हैं, BSNL, वोडा, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो टेलीफोन कनेक्शन, सेल या TCP/IP। गाइज हमने अभी पीछे यहाँ पे हमने बात की थी सेल अकाउंट एक्सेस और TCP/IP अकाउंट एक्सेस के, उसमें ठीक। तो चौथा रिक्वायरमेंट आपका है सेल या TCP/IP। अब पांचवा है क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि क्लाइंट साइड प्रोग्राम में, ISDN में, जो टेक्सुअल और ग्राफिकल दोनों मैटर को सपोर्ट करता है, यहाँ पे आपको ग्राफिकल ब्राउजर यानी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो रिक्वायरमेंट बेसिक कंपोनेंट है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे आपका इंटरनेट चलता है। तो ये आपके 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं गाइस, कंप्यूटर, मॉडेम, टेलीफोन कनेक्शन, सेल या TCP/IP और क्लाइंट सॉफ्टवेयर। गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे Level 3 कनेक्शन यानी लीज लाइन कनेक्शन पे। Level 3 कनेक्शन क्या होता है, Level 3 कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। दूसरी चीज, इट इज़ द मोर सिक्योर, डेडिकेटेड एंड एक्सपेंसिव लाइन, ठीक है। लीज लाइन एक्सपेंसिव है लेकिन डेडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल की जाती है, वो ट्रांसमिशन लाइन वो फाइबर ऑप्टिक होती है। गाइज हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया में जब पढ़ेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि ग्लास का बना होता है, तो वहाँ पे डेटा ट्रैफिक नहीं होता है, तो ये डेडिकेटेड होता है। लेकिन साथ ही साथ फाइबर ऑप्टिक जो ग्लास से बना होता है, वो वायर आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो लीज लाइन कनेक्शन में विद द वायर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या इंटरनेट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ अ सिक्योर कनेक्शन,
ये सिक्योर कनेक्शन, यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, डेटा लॉस होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा जो है वो ट्रैफिक नहीं होता, कोलाइड नहीं करता, इसलिए डेटा लॉस होने की संभावना कम होती है। गाइस, जो आज हम लोगों ने टाइप ऑफ कनेक्शन में तीन कनेक्शन देखे हैं, गेटवे एक्सेस जिसको लेवल वन कनेक्शन भी बोला गया है, डायल अप कनेक्शन जिसको लेवल टू कनेक्शन बोला गया है, और लीज लाइन कनेक्शन जो लेवल थ्री कनेक्शन बोला गया है। गाइस, आपकी बुक में लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री कनेक्शन के बारे में ही पूछा जाता है। तो गाइस, आज हम लोग ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे यहाँ पे मैं अपनी साइट का लिंक दे दे रहा हूँ, www.BinaryTube.in, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9580779451। तो गाइस, आप उन बच्चों को भी प्रिफर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे ओ लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू गाइस।